सौरभ गांगुली से पंगा लेने के बाद क्या बोले विराट कोहली, फोटो मत खींचना, जानेंगे क्या है पूरा मामला। विराट कोहली और बीसीसीआई के बीच का विवाद क्रिकेट की गलियारों में छाया हुआ है। साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले विराट कोहली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उससे बीसीसीआई के साथ उनके मतभेद सबके सामने आ गए हैं। कोहली ने बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली के उस दावे को ही सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो नहीं चाहते थे कि विराट T20 कप्तानी छोड़े। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली में से किसके दावे सही हैं और कौन गलत दावा कर रहा है। इसी बीच विराट कोहली का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो साउथ अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से पहले फोटोग्राफर्स को फोटो नहीं खींचने के लिए कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि टेस्ट कप्तान ने फोटो खिंचवाने से इनकार कर दिया। दरअसल विराट कोहली ने अपनी नहीं बल्कि बेटी वामिका की फोटो खींचने से मना किया है। साउथ अफ्रीका जाने के लिए जब भारतीय कप्तान मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनके साथ पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका भी थी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीरें खींचनी शुरू कर दी। तभी अचानक विराट कोहली ने उन्हें टोकते हुए कहा, बच्ची की तस्वीर मत खींचना। विराट कोहली का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कप्तानी को लेकर चल रहे विवाद पर कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब मैंने T20 कप्तानी छोड़ी तो पहले बीसीसीआई से संपर्क किया और उनके सामने अपने इस फैसले का नजरिया रखा। मैंने कारण बताया कि आखिर क्यों मैं T20 कप्तानी छोड़ना चाहता हूं और मेरे नजरिए को अच्छी तरह समझा गया। मुझे एक बार भी नहीं कहा गया कि आपको T20 कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए और अब कुछ ऐसा हो गया है जिसके बाद विराट कोहली बहुत ज्यादा खफा है। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।